हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं अभी ना बाहर गई थी सब्जी लेने के लिए, और सब्जी लेके मैं आई हूँ, और नित्या और उसके पापा दोनों गार्डन में थे। क्योंकि मैं जब सब्जी लेने गई ना, तो इनको दोनों को यहाँ पे गार्डन में ड्रॉप करके गई थी, जिससे नित्या थोड़ी देर खेल सके और उसको भी थोड़ा सा इन्जॉयमेंट मिले। तो बस मैं सब्जी लेके आई हूँ। तो चलिए, यहाँ पे ये सब्जी यहाँ पे साइड में रख देते हैं। और उसके बाद मैं सीधा घर आई हूँ। घर आके मुझे ना इतना लेट हो गया था, तो मैंने फटाफट इडली डोसा का कीड़ा बना के रखा था। तो फिर आके मैंने सांभर बनाया और इडली बनाने रख दी थी, तो इतना जल्दी मैं सूट नहीं कर पाई। और खाना वाना खा के हम लोग जा रहे हैं आज बाहर घूमने के लिए। घूमना क्या है, बस डी मार्ट के लिए निकल रहे हैं, और साथ ही में एक जगह जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, वहीं जा रहे हैं। तो पहले मैं और नित्या आप आगे पीछे बैठे, और हवा इतनी ज़ोरदार थी ना बाहर की, क्या बताऊँ। और नित्या तो बहुत इन्जॉय कर रही है, देखो, और उसको अच्छा भी लग रहा है। तो बस अभी निकल गए हम लोग एक सफ़र के लिए। और आज मेरी और मेरे हस्बैंड की दोनों की हमारी वीक ऑफ थी, तो वीक ऑफ के दिन हमने सोचा थोड़ा सा बाहर भी घूम के आते। और अभी कुछ बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, तब हम लोग निकले। तो थोड़ा सा बाहर घूम के आएंगे, और शाम को साथ में डीमार्ट भी जाना है। तो चलिए, ले चलते हैं इस सफर पे, और अहमदाबाद सिटी में आपको भी। जब भी छुट्टी होती है, बस यही सोचने में आता है कि क्या कुछ काम बाकी है, वहाँ निकलना है। तो बस आज का दिन हम लोग थोड़ा सा कुछ काम से बाहर निकले थे, साथ ही हमने सोचा कि चलो बासी में डीमार्ट है, तो डीमार्ट चले जाते हैं, जहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग हो जाए। ऐसे तो हम लोग सारी शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आपने बताया था आप लोग को, रिलायंस वगैरह करते हैं। तो साथ में डीमार्ट पर भी मंथली या 2 महीने में एक बार जाके डीमार्ट से भी कर लेते हैं। तो चलिए शॉपिंग शुरू कर लेते हैं। नित्या, हेलो,
फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी। और अभी मैं ना डी मार्ट से आई हूँ और खाना वाना भी खा लिया है और मैं बहुत सारा ग्रोसरी लेके आई हूँ। बहुत ग्रोसरी नहीं लेके आई, थोड़ी सी ग्रोसरी लेके आई क्योंकि थोड़ी सी ग्रोसरी मैंने मंगवाई थी अपना जियो मार्ट से। तो जो चीज़ मुझे लगा तो मैं वही लेके आई हूँ। और आज मेरी छुट्टी थी तो सुबह से बाहर से ही मैं हम लोग खाना, वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हम लोग घर पे ही लेके आ गए और घर पे ही खाए। तो क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ एक बार। तो क्या रहेगा कि फिर अपना सारा ग्रॉसरी अरेंज कर सकूँ। तो पहले लेकर आई हूँ ये मकई पौवा, ये कंपनी का। और यहाँ देखो बच्चा बहुत आवाज़ कर रही है। तो ये मकई पौवा आता है ना जो फ्राई करने वाला, वो लेकर आई हूँ एक पैकेट। उसके बाद ये नित्या का बालाजी का सॉल्टेड, उसको चाहिए वो, जैसे मैंने यहाँ रखा था ले लिया। हाँ ठीक है, लेके जाओ, पापा को बोलो दो, पापा को बोलो। हाँ देखो पसंद है उसको, हेलो कर दे, सबको हेलो कर दे, हाय हाय करो। और फिर आपने ये टोमेटो बालाजी का वेफर, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा तो ना नाश्ता ही नाश्ता है ये बालाजी की। हाँ तो ये है बालाजी की रतलामी सेव। और उसके बाद ये है, ये पहली बार लेके आई हूँ मसाला वाली, शायद मुझे याद नहीं मैंने कभी खाई है। तो उसके बाद ये है निपुर हीना मेहंदी, जो मेरे बाल लंबे लंबे हैं तो मुझे ज़्यादा यूज़ होता है तो फिर, और लंबे समय तक ये चलता है इसलिए फिर मैं ये वाला लेकर आई हूँ हीना मेहंदी। और डी मार्ट का धनिया, ये धनिया और जीरा मिक्स जो मसाला है ना कोरिएंडर पाउडर, वो लेके आई हूँ। और ये अच्छा आता है, रामदेव का भी मैं यूज़ करती हूँ लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा आता है। तो ये लेके आई 1 kg। और ये मेरे हस्बैंड को पसंद है बालाजी की सिंह भुजिया, तो उनके लिए है। और ये है ओरिफ्लेम के किचन टावल, तो ये भी ख़त्म हो गए थे तो ये भी ग्रोसरी में लेके आई हूँ। और ये है मायोनीस एगलेस, ये नित्या को बहुत पसंद आता है और ये विवाह का भी अच्छा आ रहा है तो मैं विवाह का ही लेके आ रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ग्रोसरी में है ये डी मार्ट की रई सब मसालों में डालने के लिए। और आना सुखे भाई ड्राई एप्रिकॉट, ओके। तो ये एक पैकेट हम लोग लेके आए एप्रिकॉट का और ये मेरे हस्बैंड के लिए है, उन्होंने बोला अच्छा आता है खाने के लिए तो मैंने बोला ठीक है ले लो अपने भी खाएंगे करके। तो ये भी है एक ड्राई फ्रूट। और उसके बाद है एक चिंग्स का हक्का नूडल्स, तो ये ठंडिया है अभी तो सारी सब्जियां वेजिटेबल्स अवेलेबल रहेंगे तो एक बार चाइनीज बनाने का मन किया तो डेफिनेटली हक्का नूडल्स। और उसके बाद ये तज पर तज, क्योंकि मेरे हर खाने में तज तो बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता इसलिए ये एक तज का पैकेट। और दूसरा है चीज़ यहाँ है ये चंक्स, सोया चंक्स जो स्पेशली मेरे लिए ही है। लास्ट टाइम मैंने ना रिलायंस मार्ट से मंगवाया था दूसरी कंपनी का, जो सोया चंक्स कंपनी थी उसी का मैंने मंगवाया था लेकिन वो मुझे सही बताऊँ इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ना इतना छोटे छोटे चंक्स थे और बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। मैं हमेशा से ये फॉर्चून का ही लेके आती हूँ लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम पता नहीं क्या सोच के वो ले लिया था ना, तो ज़बरदस्ती मैंने ख़त्म किया है और अभी ये लेकर आई हूँ। तो ये वाला मेरा बेस्ट है। और एक हम लेके आए हैं पानी के लिए गर्म करने के लिए ये हीटर, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास हीटर था लेकिन पता नहीं सडनली उसको क्या हुआ है ना कल, तो वो हीटर ख़राब हो चुका है, कल ही ख़राब हुआ। हमने बहुत कोशिश की उसको सही करने की लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है। तो एक हीटर, और ये 1100 वोल्ट का है और उषा कंपनी का है जो ट्रस्टेड ब्रांड है उसका ही है ये। और फिर मैं लेके आई एक किसान जैम 700 ग्राम का, क्योंकि ये किसान का ही अच्छा आता है तो ये 700 ग्राम नित्या के लिए। उसके बाद एक है
इनो का सेसे 6 सेसे आता है जो ढोकला वगैरह बनाने, और कभी कभी मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए, और दूसरे तो घर के छोटे मोटे हैं। तो ये मैं लेकर आई थी दो, मुझे भी याद नहीं बहुत टाइम पहले मैं लेकर आई थी ऐसे ये वाटर फिल्टर, आई थिंक 1 साल हो गया शायद, और वो ऐसे ही है 1 साल से पहले मैं लेकर आई थी। तो अभी क्या अंदर से पूरा पानी निकल निकल के थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, और ये वाला ना नल में बांध के रखो ना तो अच्छे से रहते हैं, क्योंकि फोर्स पानी होने से वजह से वो निकल नहीं जाते, अच्छे से रखे रहते हैं। और ये ना डीमार्ट में ही मिल पाते इतनी अच्छी क्वालिटी के, और इसका एक प्राइस जो है ना 15 रुपये का है, दिख रहा है तो एक 15 रुपये का आता है डीमार्ट में। और मैं लास्ट टाइम दिवाली के टाइम मैं सोची थी लेने को, लेकिन उस टाइम मुझे ना डीमार्ट में हमारे दूसरे एक एरिया में था उस डीमार्ट गई थी तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो नहीं मिला, लेकिन आज मुझे मिल गया था तो ये 3 लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे 3 नल है तो तीनों में, और एक है ये सुपर गाला। तो बस यही सारा ग्रॉसरी मैं लेकर आई थी आज छुट्टी के दिन, और छुट्टी का दिन होता है तो आपको पता होता है कि फैमिली टाइम होता है, ज़्यादा बाहर थोड़ा सा घूम रहे थे हम लोग और ठंडी थोड़ी सी थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी है क्योंकि मैंने पहना है ये जैकेट, और ये जैकेट भी मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है जियो मार्ट से, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है इसके अंदर। और ये जैकेट तो मैक्स कंपनी का है, मैक्स का बहुत अच्छा है। तो बस यही सारा ग्रॉसरी शॉपिंग करके लेकर आए थे, और घर की हालत मत पूछो, बहुत उलट पुलट है, अभी मुझे सारा सही करना है, और खाना तो ऑलरेडी हम लोग ने खा लिया है तो बस थोड़े से बर्तन हैं जो दोपहर को मैंने डोसा वगैरह सब बनाया था तो वही है, तो उसको क्लीन करूँगी, उसके बाद सोऊंगी, और शायद लगाऊँ तो लगाऊँ मेरे फेस में, देख सकते हैं थोड़ा सा जो है विंटर की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया तो फेस पैक लगाने का भी सोच रही हूँ। और बस ऐसे मेरी छुट्टी गई है आज की तो, और कुछ नहीं, और फिर कल सुबह मॉर्निंग से फिर वापस ऑफिस, आप लोगों से बातचीत करना, और यही सब चलता रहेगा। और तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद या फिर कल सुबह, क्योंकि अभी तो सारे काम निपटाने हैं मुझे घर के, और अभी बज रहे हैं 9:40 हो रहे अभी, और मैंने सोचा ये सारा सामान रखूँ उससे पहले आप लोग को शेयर कर दूँ कि मैं क्या क्या डीमार्ट से लेकर आई हूँ, और डीमार्ट में बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो विंटर्स की भी आती है, तो लोशन वगैरह सब मैंने ले लिया था ऑलरेडी जियो मार्ट से, तो वो सारी चीज़ें तो मैं ले ही लेके आई हूँ लेकिन ऑलरेडी है मेरे पास इसलिए। और आज देखिए मैंने ना ये लाइनर लगाई है ब्लू कलर की, कैसी लग रही है बताइएगा, पता है आज कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं ऐसा बाल पूरे से चिपटे बना कर गई थी, क्योंकि इतने बड़े बाल है ना तो बहुत बाहर हवा में ऐसे 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 बहुत ख़राब हो जाते, तो पूरा झुंड बांध के गई थी मैं। तो चलिए मिलते हैं, कल मिलेंगे या फिर थोड़ी देर के बाद मिलेंगे वो तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं थक भी ज़्यादा गई हूँ और सारा सामान भी मुझे रखना है, तो मिलते हैं कल, आई थिंक कल ही मिलेंगे, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ये ब्लॉग कल कंटिन्यू होगा।